बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरे भाई, डिसीजन मेकिंग का ये क्वेश्चन है ऑटम 2011। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और बड़ा अच्छा सवाल है। सीगल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड रग्बी बॉल फॉर द प्रोफेशनल लीग्स एंड कोलीगेट प्लेयर। दीज बॉल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्राम डिफरेंट ग्रेड्स। ये कॉलेज प्लेयर, कॉलेज प्लेयर के लिए कहते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द सिंथेटिक लेदर। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर SL बिजनेस प्लान फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ द ईच यूनिट। जी जनाब, कहते हैं जनाब जो कॉस्ट ऑफ लेदर लगती है ना वो 238 और 255 पर यूनिट। एक यूनिट पर जो लेदर कॉस्ट लग रही है वो उसने हमें बता दी। टाइम लेबर जो लग रही है 2 घंटे, 1 घंटा और 1.5। फिर वेरिएबल लेबर कॉस्ट जो भी निकलेगी उसका 65%, 50% और 60%। द लेबर आर पेड 50 rupees पर आवर। लो जी, लेबर पर आवर बता दी गई। और फिक्स्ड ओवरहेड है ₹4 डायरेक्ट लेबर आवर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहते जी एनुअल जो सेल वॉल्यूम आपको चाहिए ना वो 5000, 3500 और 2000, दैट इज द डिमांड। इतनी हमने जरूरत है बनाने के लिए। सेल प्राइस पर यूनिट उसने दे दिया और कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वेयर फीट, ऊपर जो गिवन है ना 38 वो लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट है और पर स्क्वेयर फीट की जो कॉस्ट है वो 95 है। इसका मतलब है कि जो एक यूनिट बनाने के लिए जो लेदर रिक्वायर्ड है वो पूरा एक स्क्वेयर फीट भी नहीं है, क्योंकि अगर पूरा एक स्क्वेयर फीट होता ना तो 95 कॉस्ट होती। तो अगर हम यहां पर इधर ही लिख लेते हैं स्क्वेयर फीट रिक्वायर्ड पर यूनिट, स्क्वेयर फीट रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितने स्क्वेयर फीट चाहिए लेदर, ये कॉस्ट बताइए या दोनों की। आए जरा क्या करेंगे, एक यूनिट बनाने के लिए ₹38 लगते हैं और एक स्क्वेयर फीट आता है 95 का, तो क्या करो 38/95। तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने स्क्वेयर फीट लेदर चाहिए। कितना? 0.4 स्क्वेयर फीट। अब 0.4 को मल्टीप्लाई करो ना जरा 95 से, करो जरा तो 38 ही निकलेगा। ठीक होगी बात। फिर बिल्कुल ऐसे ही आप करो 238/340, 0.7 स्क्वेयर फीट, और 225/510, 0.5 ऑलमोस्ट स्क्वेयर फीट। यानी इतना लेदर एक यूनिट बनाने के लिए चाहिए। द अबव सेल वॉल्यूम्स आर बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट, हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस SL इज एक्सपेक्टेड टू प्रोक्योर ओनली, दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर। कहते हैं सिर्फ उसके पास कितना स्क्वेयर फीट अवेलेबल है, 3840, और हमें चाहिए कितना, ये 0.4, 0.7, 0.5 को नंबर ऑफ डिमांड से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम नंबर ऑफ डिमांड से मल्टीप्लाई करें तो 5000 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, 5000, ये पड़ा हुआ 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो कितना चाहिए होगा करके देखो, 2000 स्क्वेयर फीट चाहिए फुटबॉल के लिए। फिर आप 0.7 को 3500 से मल्टीप्लाई कर दो, 2450 चाहिए बास्केटबॉल के लिए, और 0.1000 चाहिए टोटल रिक्वायर्ड हो गया 2000 + 3000, 3 और 4, 5450। इतना रिक्वायर्ड है लेकिन अवेलेबल कितना है,
3840। ओके होगी बात, आगे चलते हैं। कहता सेल डिपार्टमेंट ने पहले ही ऑर्डर रिसीव किया हुआ है 800 फुटबॉल का, 1300 बास्केटबॉल का और 400 रग्बी बॉल का, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मतलब ये तो आप पहले ही बना लें, बाद में डिसीजन मेकिंग जिक्र होगी। कहते दीज क्वांटिटीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव बजट, और उसके अंदर शामिल है, वो अलग से नहीं है। द नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर विल बी रिजल्ट इन 400,000। कहता अगर आपने ऐसा ना किया ना तो 400,000 रुपया जुर्माना देना पड़ जाएगा। ओके की बात। कहता आपने करना क्या है कि आपने एक तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाए, और फिर नेट प्रॉफिट भी फाइंड करके दें। नेट प्रॉफिट सिंपल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके की बात। लो सवाल तो आपका हो गया, फिर करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन निकाले ना, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर के सवाल में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फुटबॉल है जनाब, उसके बाद है बास्केटबॉल, उसके बाद है रग्बी बॉल। डन। सबसे पहले हम लगेंगे सेल्स पर फुटबॉल। जी जनाब, एक फुटबॉल की सेल प्राइस कितनी है यहां पर गिवन है, 295, 397 और 500। जी जनाब, 295, 397 और 500। लेस वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ लेदर, कॉस्ट ऑफ लेदर कितनी है? ये पर यूनिट गिवन है, ये पर यूनिट गिवन है 38, 238 और 255। 38, 238 और 255। फिर उसके बाद लेबर, मेरे भाई लेबर गिवन है 2 आवर्स, 1 आवर्स एंड 1.5 आवर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो आ जाए जनाब, 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100, फिर 50 एक घंटा और 1.5 75। वेरिएबल ओवरहेड इसी पर डिपेंड कर रहे हैं, लो जी 65%, 50 और 60। तो कर लो जरा जनाब इसी के ऊपर ही काम, इसका 65% लिया तो ये आ गया 65, इसका 50% ले लिया तो 25, और 75 का 60% ले लिया तो 45। लो जनाब, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी सारी होगी माइनस, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, करो जरा माइनस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 92, 84 और 120। इसके बाद है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कितना आ रहा है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेदर चाहिए था, 0.4, 0.7, 0.5, 0.4, 0.7 और 0.5। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर भी फाइंड कर लें। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर
जी करो जरा डिवाइड इनको आपस में, 92 डिवाइड बाय 0.4 230, 84 डिवाइड बाय 0.7 120, और ये तो आ गया 250। रैंकिंग कर ले मेरे भाई, सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है वो पहले नंबर पे बनाएंगे, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। गॉट इट? अब नंबर ऑफ यूनिट भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाने कितने हैं, इसको जिस अंदाज में मर्जी लिख लें। रैंकिंग आपकी हो चुकी है, आप एस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यहां पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो पहले पूरी करें ना, जो पहले आप ऑर्डर लेके बैठे हो 800, 1300 और 400, ये पहले पूरी करेंगे। यहां पर आ जाते हैं जनाब, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है अब 800 है इसकी, ये भी बनाएंगे लाजमी, 1300 इसकी और 400 इसकी। यहां पर साथ ही वर्किंग कर ले लिया करो या साइड पे कर लिया करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपके पास टोटल जो लेदर अवेलेबल है ना वो है 3840, जिसमें से 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 भी कंज्यूम हो गया, 1300 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 भी कंज्यूम हो गया, और 400 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो, ये तो कंज्यूम हो गया, ये तो माइनस करो ना पहले 320, 91, 9, 910 हो जाएगा और 200 हो जाएगा। बाकी जो आपके पास बचा है वो 2 है 2410, 2410। अब इसमें से पहले रैंक नंबर वन वाला बनाएंगे, एडिशनल जो हमने बनाना है ना, ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्रोडक्शन के लिए रैंक नंबर वन। रैंक नंबर वन की टोटल डिमांड कितनी है भला? टोटल डिमांड है 2000, जिसमें से 400 वो थी, तो 1600 तो पहले ये बनाएंगे। लो जनाब, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 800 और खत्म हो गया। बाकी कितना बच गया आपके पास लेदर? 1610। अब उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो है 5000 यूनिट। अब 5000 में से 800 तो बच गया, बन गया ना 800, बाकी बच गया 42। हम चेक करते हैं क्या 4200 पूरा बन पाता है, 0.4 से मल्टीप्लाई करें जरा, 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 1680 स्क्वायर फीट चाहिए और आपके पास तो अवेलेबल सिर्फ 1610 है। इसका मतलब है हम देखेंगे कि 1610 से कितना बन सकता है। हमें टोटल चाहिए था 4200, लेकिन 4200 पूरे नहीं बन पाएंगे, 1680 स्क्वायर फीट चाहिए और पड़ा हुआ है 1610। तो डिवाइड करके, हम तीसरे के ऊपर तो गए ही नहीं, 1610 डिवाइड बाय 0.4, तो 4025 ये बन सकता है, 4025 यूनिट्स, और ये बन ही नहीं सकता। ये है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बना सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ये आ जाएगा 4825, ये 1300, और मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी करनी है ना, और ये 2000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि उसने प्रॉफिट पूछा है। ये पर लिमिटिंग फैक्टर, आप कंट्रीब्यूशन ही लेना, पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं, पर यूनिट। तो चेक करिएगा जरा, हमने पर यूनिट भी फाइंड किया था, पर यूनिट लिमिटिंग ये 92, 84 और 125। हाँ जी, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा
हमने प्रॉफिट फाइंड करना है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 92 है, फिर 84 है और फिर 125। जी नेट प्रॉफिट के लिए आप देख लें कि इनका कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लें टोटल और प्लस करके हम देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में हो, फॉर्मेट आप अपनी मर्जी का बना सकते हो, फॉर्मेट आप अपनी मर्जी का बना सकते हो। लो मेरे भाई 48 मल्टीप्लाई करें 92 से, 443900, 1300 को 84 से मल्टीप्लाई करें 109200, और 125 से मल्टीप्लाई करें 2000 को तो 250,000। लो जनाब अगर आप नेट प्रॉफिट की वर्किंग करना चाहें तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ गया, इन सबको प्लस कर दें 803100, और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वो क्या है, 4 रुपए पर यूनिट पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए ना कि टोटल लेबर आवर चाहिए कितनी, वो ये गिवन है। ये देखें, 2 घंटे चाहिए फुटबॉल को बनाने के लिए, 1 घंटा चाहिए बास्केटबॉल को बनाने के लिए, और 1.5 रग्बी बॉल को। ओके की बात, और ये क्या कौन सी है, ये बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट है ना, तो इसमें ये नहीं देखेंगे कि हमने बनाए कितने, वो तो जितने रिक्वायर्ड है, जैसे 5000 यूनिट आपने बनाने, 5000 के लिए 2 घंटे, 3500 के लिए 1 घंटा, और 2000 के लिए 1.5। ये जो जितने नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड हैं, फिक्स कॉस्ट तो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होती है ना, एक्चुअल भी तो नहीं होती। तो 5000 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 10000 नंबर ऑफ आवर्स, 3500 नंबर ऑफ आवर्स, और 1.5 से मल्टीप्लाई करना है 3000। लो जनाब इनको प्लस करें 10000 जमा 3500 जमा 3000, कितना आ गया, 16500 घंटे लगे आपके टोटल नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर, इसमें एक्चुअल नहीं देखते, नॉर्मल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आ गया 16500 मल्टीप्लाई बाय 4, 66000। लो जी माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। कितना नेट प्रॉफिट आ गया मेरे भाई, 737100। ओके की बात, कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछ लें या बाद में मैसेज करके पूछ लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।